वो अबू बकर सिद्दीक की जात, हुदैबिया का मकाम है, सुलह हुदैबिया का। हुदैबिया के मकाम में नबी पाक अलैहिस्सलाम 1500 सहाबा के साथ हैं। 1500 सहाबा ने अहराम बांधे हैं। क्या दिल में वलवला होगा कि हरम काबा का तवाफ करना है, आब जमजम जी भर के पीना है, सफ़ा मरवा की सही करनी है, हजर असवद के बोसे लेने हैं। हुदैबिया के मकाम पे रोक दिया गया। उरवा बिन मसूद आया और कहने लगा, जी कि आपको इजाज़त नहीं है, इस साल आप नहीं जा सकते। आप 1500 हैं, मक्के वाले डर रहे हैं कहीं हमको तमाम ना कर दें। तो मेरे महबूब ने पता है क्या फरमाया, याद रखिए अगर अहराम पहले खोल दिया जाए तो फिर एक दम वाजिब आता है, एक दम एक बकरा दोंदा ज़िबा करना पड़ता है। लेकिन मेरे महबूब ने फरमाया अपने अहराम खोल दो, अपने अहराम। किसी से आबी ने नहीं कहा महबूब क्यों खोल दें। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक उठे, सबसे पहले। और याद रखिए अबू बकर सिद्दीक वो है जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है, और जो इनके बारे में बात करे बिल इजमा उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। इसकी सहाबियत कुरान की नस से साबित है। जिसको कुरान साहिब कहे, रसूलुल्लाह का साहिब कहे, सान यसनैनी इज हुमाफिल गार इज यकूलू लिसाहिबिही, इज यकूलू लिसाहिबिही, जब कहने वाला अपने साहिब से कह रहा था, वो अबू बकर सिद्दीक की जात। सबसे पहले उठे, अपना अहराम खोला, टिंड करवाई, हलक करवाया, अपने खैमे में चले गए। जनाब फारूक आजम कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा था कि हम तो जनाब इतने अहतमाम से आए और हजूर ने फरमाया अहराम खोल दें। कहते मैं हजूर के हजरे में गया, मैंने अर्ज़ की महबूबा क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं? फरमाया अबू बकर उमर मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। क्या कुरान सच्चा नहीं? फरमाया सच्चा है। क्या अल्लाह सच्चा नहीं? फरमाया सच्चा है। कहा महबूबा आपने तो कहा था कि हम तवाफ करेंगे तो ये क्या हो गया है? फरमाया मैंने ये नहीं कहा था कि इसी साल करेंगे, हमने ये कहा था कि करेंगे, इसी साल करेंगे नहीं कहा था। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का हुक्म आ गया है। फारूक आजम कहते मैं उसी तरह गुस्से में जनाब अबू बकर सिद्दीक के हुजरे में चला गया। तो अबू बकर सिद्दीक बड़े मज़े से बैठे हैं नफ्स मुतमईना के साथ और खजूर तनावल कर रहे हैं। मैंने कहा अबू बकर तू आराम से बैठा है, मुझे फुल गुस्सा आया है जनाब, ये क्या हो गया है? फरमाते जो बातें मदीने वाले ने कही थी वही अबू बकर ने कही। सुबहानअल्लाह, कह दे जो बातें, मुलाकात दोनों की नहीं हुई लेकिन जो बातें हुजूर ने फरमाई वही बात अबू बकर सिद्दीक ने कही। कहते मैं जब गुस्से में आने लगा ना तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा उमर होश कर, खबरदार तू नहीं जानता कि मदीने वाला वही कहता जो रब की तरफ से वही हुआ करती है, खामोश हो जा, तुझे बोलने की इजाजत नहीं है, जो मदीने वाले ने कहा है वो हक भी है और सच भी है।